नहीं सुंदर, वो हमसे बहुत नाराज है। इतना आग्रह करने के बाद भी वो बिना भोजन किए चले गए और बाबा कहते हैं उन्हें मना। कैसे मनाए? महारानी, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। कह दो हम नहीं आते, उसी क्रांति गुरु को बुलाए। महाराज को स्वयं आना पड़ेगा। आप? क्या हम आपसे मिलने नहीं आ सकते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, महल तो आपका ही है, आप कहीं भी जा सकते हैं। हमने आपको बुलाने के लिए कितने तीर चलाए, परंतु आप वचन देने के बाद भी नहीं आए। इस समय तो आपके सामने खड़े हैं। महाराज, हम आपको नहीं समझ पा रहे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ऐतिहासिक निर्णय पर हम अपने मंत्रीगण की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं और हम झांसी नरेश होने के नाते सारी प्रजा की ओर से महारानी लक्ष्मीबाई का अभिवादन करते हैं। प्रधानमंत्री जी, महाराज, माननीय भोपटकर जी को पूर्ण सम्मान के साथ पुनः उनके पद पर नियुक्त किया जाए। जो आ गया महाराज। और अब एक विशेष सूचना, कल दरबार स्थगित किया जाता। कल हम महाराज गंगाधर राव नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई के पति के रूप में रहेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई की। आप छा से ये 24 आवर्स हमारे लाइफ पर बहुत भारी पड़ेंगे। हमने सुंदर काशी को भेजकर ठीक नहीं किया, हमें स्वयं अपनी बहन से मिलने जाना चाहिए। भाई जी, आप? अरे, आपने तो मुझे पहचान भी लिया। सुंदर काशी, तुम दोनों जाओ जी, बैठिए। मलिकालिया, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हैं। हम एक काम करते हैं, हम जल्दी से आपकी नजर उतारते हैं।
अरे छोड़िए मोती भाई जी नजर बजर, हम एक बात बताइए। पूछिए। वो आप महाराज के बारे में अवश्य बहुत कुछ जानते होंगे ना? एक आप ही तो है जो उन्हें अंतर मन से चाहते। मलिका आलिया, कभी हमें भी यही खुशफहमी थी, लेकिन अब ऐसे ख्यालात मन में भी लाना पाप है। खैर, हम आपको जरूर बताएंगे कि महाराज को क्या क्या पसंद है। अच्छा तो बताइए हम उन्हें खुश कैसे करें? मलिका आलिया, उसके लिए अभी वक्त है। क्या मतलब? नहीं, हमारा मतलब ये है कि कई सारी चीजें हैं जो उन्हें पसंद हैं। क्या क्या पसंद है उन्हें? गुलाब के फूल तो उनकी जान है। क्या? हाँ, और एक बात और, पान। पान? जी, खाते तो वो कभी कभी हैं, लेकिन उनका पान बनाकर पेश करना हर एक के बस की बात नहीं है। अच्छा तो बताइए ना, वो पान कैसे बनाते हैं? सबसे पहले चूने की हल्की सी परत, और फिर उस पर दूध या कत्थे की मोटी सी तह, और फिर लखनऊ का ये जर्दा और जाफरान डालते हैं, और फिर पान को यूं दोनों तरफ से मोड़कर, और फिर आखिरी में चांदी के वरक से पान को लपेटकर गिलौरी बना दी जाती है। आप जानती हैं, सही तरीके से बनाया हुआ पान खाकर उनके चेहरे पर जो खुशी झलकती है वो देखने वाली होती है। हे देवा, वचन के अनुसार हम यहाँ, और आप? महाराज, वो हम राज पर ये पान बना रहे थे। पान? हाँ, आपको पान बहुत पसंद है ना, जिसमें हल्का चूना, मोटी सी परत कथे की, और फिर वो क्या चर्दे के साथ जाफरन भी। हाँ, जाफरन। अच्छा, तो आज के दिन भर हम दोनों पानी बनाते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्षमा कीजिएगा, हमें देर हो गई। ठीक है महारानी लक्ष्मी। भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। काशी, मैं महारानी से मिलने की कोशिश करती हूँ और उन्हें सब बताती हूँ। तुम वहाँ बाजार जाओ और वहाँ देखो क्या हो रहा है। के हाथ में तलवार? जी महाराज, आप अकेले ही अभ्यास कर रहे थे तो हमने सोचा साथ दे देते। अप्रति, आपको तलवार चलाते देखकर हमें यह आभास हुआ कि यदि आप थोड़ा सा अभ्यास कर तो एक कुशल तलवारबाज बन सकते। महाराज, क्या आप हमें तलवारबाजी सीखने में मदद करेंगे? अवश्य।
चलिए थोड़ा सा मल्लखाम का अभ्यास कर। कच्चे बारह तो बारह फेंकी हो तो सही। अब आपकी बारी। बहुत अच्छा खेलती हैं आप। इतने सटीक अंदाज में तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी नहीं खेल पाते। किससे सीखा आपने? अपने आजोबा से। आपके आजोबा आपके साथ खेलते थे? केवल खेलते ही नहीं थे, हर जगह अपने साथ हमें लेकर जाते थे और हम पर तो कोई प्रतिबंध ही नहीं था। आज से आपको आगामी निर्णय तक दरबार की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से निलंबित किया जाता है। और यहां आप पर प्रतिबंध लगे हैं। वहां आप स्वच्छंद रूप से जीवन जीते। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों जगह आपने सामान्य जीवन नारी के रूप में नहीं जिए। क्षमा कीजिएगा महाराज, नारी नारी की तरह जन्म नहीं लेती, उसे पुरुष नारी बना देता है, क्योंकि उसे यह आभास होता है कि बिना पुरुष के संरक्षण के नारी सुरक्षित जीवन नहीं जी सकती। That's it. Summer Singh, the countdown is over. Dekha tumne? Company Bahadur ke against jaane ka consequence kya hota hai? Such a traitor ko kachi phansi di jati hai. Jhansi people. I never witnessed such things before. अब ये बहुत देर तक झूलता रहेगा। झांसी पीपा। I never witnessed such things before. अब ये बहुत देर तक झूलता रहेगा। अरे भैया रुके, तो बताइए तो क्या बात है आपकी? अरे वो बहना, वो अपना समर सिंह है ना? हाँ? ये ससुरे फिरंगी उसे मृत्यु दंड दे रहे हैं। क्या? Minister, don't interfere in our jurisdiction.
महाराज, ये तो आपका शासन है और दंड देने का अधिकार भी तो आपको ही है, इन फिरंगियों का नहीं। आप ठीक कह रहे महाराज। हैंगे की। ये हमारे पति हैं। तुम्हारे संस्कृति में स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखा? Who the hell are you? महाराज, अरे ये तो हमारे महाराज है। सर प्लीज कम डाउन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज राइट। ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रीटी हम पब्लिकली किसी को पनिश नहीं कर सकते। अगर फोर्ट विलियम तक बात पहुंची तो हम सब मेजर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ओके योर मैजेस्टी, हम आपके डिग्निटी को ऑनर पे करते हुए इसे आपके हवाले करते हैं। सैनिकों, समर सिंह को हिरासत में ले लो। रघुनाथ सिंह जी। महाराज, महारानी को उनके पालके तक पहुंचाने में सहायता करो। जो आ गया महाराज। महारानी, एक ब्रिटिश से चैलेंज है, वो भी एक औरत। आई विल किल यू, बट ऐसे नहीं, तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। थोड़े क्रांतिकार होने का राज गंगाधर राव के सामने लाऊंगा बहुत जल्द। इंडियन प्रिजनर्स आ गए। सर,
ब्लडी रात को हमारे टॉर्चर के आदि है। शेर तो आपके ग्रिप से छीन लिया गया। I'm sorry, sir. Queen of Jhansi has proved herself that she is dynamic. हम अंग्रेज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। I will kill her. Queen of Jhansi. क्रांति गुरु लक्ष्मी बाई। I will kill you. बहना आप चुप रही बैठी। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। किसी ने देख लिया तो? हमारी चिंता छोड़िए भाऊ, बैठिए। कितनी बुरी तरह घायल किया इन धूर्त फिरंगियों ने। कष्ट हो रहा है ना? ये कष्ट कुछ भी नहीं है बहन, बस उलझन इस बात की है कि बड़े दरबार में महाराज के सामने हम क्या उत्तर देंगे। समर भाव जो सत्य है कह दीजिएगा। नहीं बहन, आपको लांछित होने से पहले मैं मर जाना पसंद करूं। चुप रहिए समर भाव। समर भाव, झूठ से क्षणिक सुख अवश्य प्राप्त हो जाएगा, परंतु सच तो सच होता है ना? नहीं बहन, जब से आपने मुझे नया जीवन दिया मेरा रोम रोम आपका ऋणी, उसे चुकाने के बजाय आपको और विपत्तियों में डाल दें। नहीं, सब ठीक हो जाएगा समर भाव, बस साहस रखें, यही हमारी धरोहर है। यदि इस प्रकार आप हिम्मत तोड़ देंगे तो हम इन धूर्त फिरंगियों पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा, सब अच्छा होगा। क्या कर रहे हैं समर भाव? अपने ईश्वर की आराधना। रघुनाथ सिंह। महाराज। आरोप पत्र पढ़ा जाए। आरोपी समर सिंह पर आरोप है कि झांसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से लूटमार और डाके डाला करता था। इसका आतंक इतना बढ़ गया था कि महारानी के काफिले पर कातिलाना हमला करने की भी चेष्टा की। और जघन्य कांड तो ध्वज खेल में मैदान में बारूद बिछाकर महाराज की हत्या का भी प्रयास किया था। इन्हीं अपराधों के कारण फोर्ट विलियम के प्रशासनिक अधिकारी टीएन मार्शल ने सरेआम मृत्युदंड देने की घोषणा की थी, ताकि अन्य आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति कभी यह जघन्य अपराध करने का दुस्साहस ना कर सके। महाराज, यदि आज्ञा हो तो इन आरोपों के विषय में हम कुछ कहना चाहते हैं। अवश्य, हम आपके विचार अवश्य सुनेंगे महाराज। महाराज, ये केवल आरोप है और संसार के किसी भी न्यायपालिका में आरोपी को तब तक दंडित नहीं किया जाता जब तक उस पर लगा आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि झांसी राज्य के सर्वोच्च दंडाधिकारी आप हैं। इन फिरंगियों को दंड देने का अधिकार किसने दे दिया? बस खेल के मैदान में तुमने बारूद बिछाकर हमारे प्राण लेने का षड्यंत्र रचा था। महाराज, ये आरोप आधारहीन है, क्योंकि ध्वज खेल से एक दिन पूर्व ही मार्शल ने मुझे आपके कारागार के पास ही बंदी बना दिया था।
तो फिर हम ध्वज खेल के मैदान में बारूद कैसे बिछा सकते थे? Your Majesty, he's a liar. मैंने इसे झांसी जेल के पास से नहीं बल्कि कहीं और से अरेस्ट किया था. And by the way, इसे पूछिए कि ये झांसी जेल के पास क्या कर रहा था. He's a liar. मैंने इसे झांसी जेल के पास से नहीं बल्कि कहीं और से अरेस्ट किया था. And by the way, इसे पूछिए कि ये झांसी जेल के पास क्या कर रहा था. बताओ समर सिंह, तुम हमारे जेल में क्यों गए थे? उत्तर दो समर सिंह. ये सत्य है महाराज कि हम आपके कारागृह में क्रांति गुरु को छुड़ाने गए थे. जिसने न केवल आपका चुराया हुआ खजाना लौटाया बल्कि आपको भी मृत्यु के मुंह से बचाया था. रघुनाथ महाराज, पूरे झांसी में यह घोषणा कर दो कि 24 घंटे के अंदर साक्ष्य के साथ क्रांति गुरु को हमारे दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा. यदि वो नहीं आती तो समर सिंह को मृत्युदंड दे दिया जाएगा. Come on, brave girl. अब तो क्रांति करो बन कराना ही पड़ेगा. अपने भाई को बचाना है ना. मैं तुम्हारी ड्यूअल आइडेंटिटी का राज गंगाधर के सामने रिवील करके ही रहूंगा. कम व्हाट मे. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर.